ओके फॉक्स, गुड मॉर्निंग। आज 12 तारीख है और टाइम इज़ नाउ 11 बज रहे हैं। वेंसडे का दिन है। आज मैं यहाँ पर गोंगडोंग म्यूज़िक पे आई मीन म्यूज़ियम देखने के लिए आया हूँ। एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस सिटी इज़ एवरीथिंग इज़ ऑन अ डिस्टेंस, बट दे हैव डिज़ाइन द commute system in such a way that everything is close. It's a story how I came here. I should have mujhe record karna chahiye tha, lekin unfortunately I was so panicked, not a panic kind of thing, but I was a little bit frustrated kyunki ek jo train aati hai us train ke baad ek APM jo main isse pehle jo APM dekh chuka tha usse bilkul different APM ek aur under the ground chalti hai ना। मैं यही समझा था कि वो APM होगी जो पहले थी। APM इनकी ये साइट की जो स्ट्रीट्स हैं, इट इज़ अ मैसिव स्ट्रक्चर ओवर हेयर। दिस इज़ आई डोंट नो इट्स डाउनटाउन और व्हाट, कैंटन टावर का इलाका है तो यकीनी बात है कि कोई डाउनटाउन कोरी होगा, उससे रिलेटेड होगा, क्योंकि ज़्यादातर जैसा CN टावर है या सीयर्स टावर है, ये सारे डाउनटाउन एरियाज़ में होते हैं। ओह माय गॉड, आई हैड टू मेक अनदर ट्रिप, क्योंकि कल मैं निकल रहा हूँ यहाँ पर। मैं आया था यहाँ कैंटन टावर वगैरह के इलाके में, ग्वांजो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल ऑफ चाइना, समथिंग इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर, मे बी ओवर हियर इज़ ऑल द टाइम। ग्वांजो पब्लिक लाइब्रेरी है यहाँ पर। तो अब मुझे जाना था एक्चुअली आज गोंगडोंग म्यूज़ियम की तरफ, और उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एज आई सेड, आई शुड हैव रिकॉर्डेड द वे आई केम। वापसी में बना लूँगा, लेकिन अमेजिंग 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 यहाँ पर। अलग ही दुनिया है यहाँ, अलग ही दुनिया है। तो ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर देखते हैं क्या कहानी है। मुझे बेसिकली म्यूज़ियम की तरफ जाना है। तो ओके, अब यहाँ देखें ना कितना लंबा चौड़ा। यहाँ पर ओपरा हाउस है, ग्वांजो ओपरा हाउस, गोंगडोंग म्यूज़ियम नंबर 3। सो आई एम वेयर, यहाँ सब कुछ है इस जगह पे, एवरीथिंग इज़ हेयर। आई मैक्स सिनेमा, चाइना रिसोर्सेज, वैनगार्ड मॉल ऑफ द वर्ल्ड सेंट्रल जोन, एंड देयर आर लॉट एक्टिविटीज़। ओके, लेट मी फाइंड आउट वेयर आई एम, आई डोंट नो। ओके, एज पर मैप they have designed in such a way, unbelievable. Acha ji, number 3 pe mujhe jana hai, and number 3 how I'm gonna figure it out? No, my fault. Okay, number 3, where is museum? Main khala is taraf agar main jaau to shayad mujhe kuch गोंगडोंग म्यूज़ियम का रास्ता पता लगे। इट्स अ रियली नाइस कूल ब्रीज, रियली नाइस कूल ब्रीज। इस्लामाबाद की जो सर्दियाँ होती हैं उस तरह की सर्दियाँ हैं, हल्की हल्की। मुझे ये वेदर इसलिए पसंद है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, और आई एम वेल बंडल्ड क्योंकि मैंने टोरंटो के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे। ये वो कपड़े हैं जो पहन के मैं निकला था घर से। तो लकली जब मैं गोंजो पे उतरा था तो आई वाज अ लिटिल बिट कंसर्न कि मैं इतना गोंजो इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर IFC, ये भी मशहूर बिल्डिंग है इनकी, IFC चाउटा। यार मुझे म्यूजियम का कैसे पता लगेगा? ओके, लेट मी वॉक देन आई विल फाइंड आउट एनीवे। ये कैंटन टावर से मैं देख चाहता था कि यहाँ हूँ, फिर मैं इतनी ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, कुछ छोटी मोटी दूसरी बिजनेस रिलेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी माय इंटरेस्ट। तो देखने वाली बहुत सारी जगह थी, यहाँ की टेंपल, वहाँ की मस्जिद। तो दिस इज़ अ टोटली बाय इटसेल्फ, इस होल बंच ऑफ एक्टिविटीज़। Let me go over here.
कहीं ना कहीं रास्ता तो हो गया, म्यूजियम है तो फिर बड़ा रास्ता होगा, गेट होगा, लेकिन यहाँ वैसे ही वॉक करें तो लुक्स वेरी वेरी, अरे वाह, नीचे स्टारबक भी है तो कॉफ़ी का भी कोई मसला नहीं है। ठंडा माहौल है, हालांकि वर्किंग डे है, शायद इस वजह से वीकेंड्स वगैरह में रश होता होगा। लाइटें ऑफ की हुई हैं, शायद लाइट की बचत हो रही है, या लाइट है ही नहीं। हेलो, वेयर इज अ म्यूजियम, ग्वांगडोंग म्यूजियम? तो लाया है, तो लाया। नो नो इंग्लिश, ग्वांगडोंग म्यूजियम, एनी आइडिया? नो ओके, किपदुंग, किपदुंग। सो एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी कैंटोनीज का भी चक्कर है और मैंड्रिन का। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द ग्वांगडोंग म्यूजियम? ग्वांगडोंग म्यूजियम, म्यूजियम? Good part of this area is I see a lot of people, they can speak English. There are so many people can speak English. In this area? And there are so many foreigners in Guangdong. Okay, that's why, because I haven't seen, because whomever I ask and talk to, they knew about English. Guangdong Museum. It's here, somewhere. My map. ये है फोक्स, यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले काफ़ी हैं, इस जगह पे आए तो इंग्लिश का इशू नहीं बनेगा। तो विच वे इज हार्ड, कज आई कीप गोइंग डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इट्स वेरी हार्ड। तो further and then right and then on this side. Okay, thank you. So, is this your first time? Guangzhou, yes, it's my first time. I just this tomorrow is my last day and I should have been here more often, but I was seeing lots of temples and I've been so many places. I covered, you know, Chen Clan Academy, and I mean, it was unbelievable, unbelievable experience. Yesterday I went to that Guangxia Temple, the oldest one, I was there because I like buildings. I like history. I don't care about Canton Tower, how beautiful it is. These are all modern things. You can see tower anywhere in the world. Yeah. But the heritage and the history, that matters. How the Chinese did, how they flourished, what was their past. Yeah, the museum is a good place to know the history of the city. Yeah, that's what I wanna. I wanted to go to Guangzhou Museum today and Guangdong Museum. So these are the two on my itinerary. I have to make it up. So let's see. You travel to China? No, I am going back to Canada because I came from Canada. So, you come from Canada? Yeah. Okay. From Toronto. I went to America last month. Hmm? I will go to America last month. Oh, you went which city? Las Vegas. No, Las Vegas, okay. Yeah. So, you are a Vegas girl? No, actually. I'm sorry, I'm using that word. You know what I'm talking about. No, lots of tourists, they go to Vegas, you know that. Lots of tourists from even from Canada and in this weather. Oh wow, what a beautiful structure. Yeah.
Okay. Maybe that one. Okay. I'll ask. It's just 400 meters, but it's around this area somewhere. On the map, it's just 200 meters. Now we're getting closer. So how long you stayed there in Vegas? About 10 days. Okay. So you went to Vegas and came back? Yeah, I'm for business trip. Because the San Francisco and all those areas, there are a lot of California is known for Chinese. Vancouver is known for Chinese. Have you ever been to Canada? No. No? No. Toronto is best place to go. I haven't been to any foreign countries except China. So Vegas was your first trip? Yeah. Okay. But it's fun going there. Believe me. This way, eh? Changing the site. देखा फॉक्स कितने यहाँ के लोग हेल्प करते हैं. This way? Because I couldn't figure it out on my map. It was so. In that building? Let me go in this building. It's a nice weather today. You like it? It's a little cold. No, it's really beautiful. Okay, all right. Guangdong music. Yeah, I come alone, yeah. I enjoy by myself. I look around, I see around. You have more freedom if you are alone. You can make your own decisions. Yeah. You want to sleep, you can sleep. You want to go home, you want to go home. But if you are going with two different people or three people, then everybody has his own choice. Yeah. This one. Okay. Yeah. All right. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye. Come to Canada. Okay. Maybe one day. Okay. Thanks. Ye building boss lag rahi hai. This is a good experience. She helped me. Okay. Yeah, that's the entrance, the tickets and all that stuff. Maybe the security in. Oh my God. Yeah, see? The ancient things right there. Ticket center. I don't know if they allow the camera or not. So let me shut it off right now. Have you booked for a ticket? No, I'm gonna buy right now. Yeah. Yes. Gee, folks, me again. अभी मैं ये गोंडंग मस्जिद गया था. मेरा ख्याल है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि इनकी लास्ट सब जो एग्जीबिशन की डिफरेंट जगह थी वो बंद पड़ी हुई थी. एक चीज़ मैं डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर इकोज ऑफ द नाइल एग्जीबिशन ऑफ एशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन दैट्स गोइंग टू हैपन ऑन 20th ऑफ दिसंबर टिल मार्च. तो मैं तो निकल जाऊँगा. तो दैट्स द ओनली थिंग विच आई सी. इसीलिए मेरे ख्याल ऊपर मुख्तलिफ हालों को इन्होंने बंद किया हुआ था, उसमें बड़ी हैवी ड्यूटी प्रेपरेशन हो रही थी. तो मे बी दैट एग्जीबिशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट हेयर. ये कुछ एग्जीबिशन है, ये 13/12/2018 से 19/5/2019 तक है. ड्रीम बैक टू द ग्रेटेस्ट एरा आर्ट एंड लाइफ इन द थांग डायनेस्टी. तो इस तरह की सारी चीज़ें
अब ये जिस तरह एक है, ये 12-20 20-12 से 20-3, क्योंकि ये ईयर पहले लिखते हैं, फिर ये महीना लिखते हैं, और फिर बाद में दे गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी गो राइट टू लेफ्ट, आई मीन वी गो फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट फॉर बनी, जिस तरह हम लिखते हैं पहले दिन, महीना और साल, अमेरिकन लिखते हैं महीना, दिन और साल, तो ये लिखते हैं साल और लेट मी सी अगेन, साल, महीना और दिन। तो जो बाहर से फोक्स आते हैं उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, शुरू शुरू में तो मुझे ही बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इफ़ यू जस्ट वांट टू हैंग अराउंड हियर एंड जस्ट सी, एंड अगर आपके पास टाइम है और टांगों में जान है, तो मेरी अब टांगों में जान ख़त्म हो गई है, क्योंकि एवरेज जो है मैंने अपने जो ऐप होता उस पर देखा था, द मैक्स आई वेंट टू 18 किलोमीटर डे ऑन वॉक एंड द लोएस्ट आई वेंट, एक दिन बीच में 5 तारीख को मैंने ब्रेक लिया था, तो वो शायद 2-2.5 किलोमीटर का था स्टेप्स, द एवरेज आई हैड अबाउट 10 किलोमीटर प्लस, 9 भी है एक आध दिन। तो आज अब जो है ना, आई डिडंट हैव एनी इंटेंशन टू कम आउट, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरा आखिरी दिन है, आई हैव टू सी गोंगडोंग म्यूजियम, आई लाइक इट, बट जिसका चौथा माला जो है इन्होंने बंद किया हुआ था कि नो इट्स क्लोज्ड, बुक हाई समथिंग लाइक दैट शी वाज टेलिंग मी, तो बू तो ना होता, आई नो दैट। अब एनी हाउ आई डोंट वांट टू गो इन लिंग्विस्टिक काइंड ऑफ डिबेट, तो एनी हाउ तो मुझे लेकिन पता लग गया था कि ये बंद है, तो वाओ व्हाट अ नाइस स्क्रीन दे पुट इट अप देयर, लुक सी फोक्स। तो ये सो फार की स्टोरी है। अब मैं APM की तलाश में हूँ, यहाँ से APM मुझे मिले और वो मुझे फिर मेन मेट्रो पे लेके जाए, लेकिन अमेजिंग, इन्होंने गाड़ियों का सिलसिला जो है ना, कार का, इसको क्रश कर दिया है, कार इंडस्ट्री यहाँ पर आई एम प्रीटी श्योर इन्होंने इसको काफ़ी हद तक, गाड़ियाँ आपको मिलेंगी हाई एंड की, मैंने वो गाड़ी भी देखी ट्विटर की जो मैंने कनाडा, अमेरिका, दुबई, सऊदीया में भी नहीं देखी, तो पीपल गॉट मनी, द अपर क्लास गॉट रियली रियली गुड मनी। ये IFC की बिल्डिंग है सामने, मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये वहाँ से नज़र आती है कैंटन टावर से, और इसमें लाइटिंग होती है रात के वक्त, तो आई डोंट नो, आई कैन सी, या आई कैन शो यू गाइस ऑल द वे अप। तो ये इसके ऊपर बड़ी अच्छी लाइट होती है, IFC की बिल्डिंग कहलाती है, और दूर से बड़ी अट्रैक्शन होती है। ये गुआंगझो लाइब्रेरी मैं देखूँ, या APM का, अच्छा यहीं से नज़र आ गया, वाह। ये है कि साइनिज सब जगह हुई हुई है, आप पढ़ने वाले बने और समझने वाले बने। अब ये जिस तरह है, ये एक नया स्टाइल है, ये एंट्रेंस बी से गुआंगझो मेट्रो का, अगर गुआंगझो मेट्रो का है यही, तो मैं डायरेक्ट यहीं से APM 3 है, ये गुआंगझो मेट्रो का ही स्टाइल, हाँ, तो गुआंगझो ओपेरा हाउस, ये भी बड़ा मशहूर है, लेकिन मुझे कोई तरह से इतना इंटरेस्ट नहीं है। गुआंगझो लाइब्रेरी जाने का दिल कर रहा था, दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ ट्रेजर, क्योंकि ये मेन इनकी लाइब्रेरी है, शिकागो की एक मेन पब्लिक लाइब्रेरी डाउनटाउन में, इस तरह हर शहर की बड़ी बड़ी जो मेजर मेट्रो सिटीज़ होते हैं, लेकिन मेरी अब टांगों में जान नहीं है, और मैं जो हूँ अपने ट्रिप को यहाँ पर आज ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि एवरेज आई वुड से आई स्टेड हेयर फ्रॉम 23rd टिल 25 की मेरी अराइवल हुई थी, क्योंकि मेरे 18 घंटे तो बीजिंग में थे, तो यू में से अबाउट 17 दिन के अंदर आउट से आई वॉक अराउंड ओवर 100 किलोमीटर्स, वे मोर देन, बट आई एम जस्ट ऑन द, जिसे कहते हैं कि टाइट, उसके ऊपर। अब ये देखें, ये साइन हर जगह आते जा रहे हैं, अब ये देखें APM की लाइन का नीले रंग का साइन लगा हुआ है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे, उन्होंने साइन कर दिया है, तो मैं यहीं से निकला था और उस तरह गलत जगह चला गया था। मैं वापसी का इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि
आते हुए मैं नहीं बना पाया था। स्ट्रक्चर देखें ये अगले 100 साल के लिए इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें आप क्या कह रहा है, P3 बस पार्किंग लॉट स्क्वायर। आई एम प्रीटी श्योर कि इसी तरफ ही होगा, उस तरफ नहीं होगी, पब्लिक ज़्यादातर इसी तरफ जा रही है। और इसका टिकट भी नहीं था गालिबन, एक तरफ से ही टिकट था इसका, मेरे ख्याल एक ही टिकट होता होगा, इसलिए एग्ज़िट के ऊपर इन्होंने वो नहीं लगाया था। तो मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई गुआंगडोंग म्यूज़ियम आना चाहे तो क्या नाम है, ये है उसका तरीक़ाकार। आप कहीं से भी मेट्रो से आप आएंगे, किसी भी मेट्रो से नहीं, डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर लाइन। तो लाइन 1 से मैं आया था और मैं उतरा था, अल्लाह भला करे, किसी भी मेट्रो से आपको लाइन 1 पे आना है, टू मेक इट सिंपल। और आपको क्या नाम है, किस पे उतरे थे, खैर मेरा फैक कैमरा, मेरा सेल फोन जो है अंदर है, टीलियू वेस्ट का जो है ना स्टेशन आता है, उस पर आपको थोड़ा सा वॉक करना है। जब निकलते हैं आप तो जिस जगह से निकलेंगे उसके रिवर्स में पीछे, वो आप खैर गूगल पर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह वॉक करना है। गूगल ने भी अच्छा काम किया हुआ है, डॉट को आप फॉलो करें, डॉट से डॉट को मिलाते चले जाएँ, वॉकिंग का जो डॉट होता है और आपकी जो लोकेशन है, और इवन वो ऑफलाइन पर भी काम करता है। तो मैं एक दफ़ा लोड करके होटल से अपने निकला था, तो वहाँ से कहानी जो आ गई मुझे, वो डार्ट, जहाँ डार्ट से मैं हटता था, दूर होता था, आई ट्राई टू गेट क्लोज टू द डार्ट अगेन। मुझे ये बताए कि APM की कौन सी, यहाँ से कोई बस सर्विस वगैरह भी इनकी है, क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ को इनकी बसें जाती हैं, गुआंगझोउ कुछ कोस्ट टर्मिनल, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल। बहुत बड़ा सेटअप है यहाँ पर, बहुत बड़ा सेटअप है। APM दैट वे, तो APM दैट वे, तो विच वे, आई डोंट सी APM साइन, हर कोई इधर उधर भगा रहा है। देखते हैं शायद ये दरवाज़ा हो, लेकिन साइन लगाना चाहिए था। बस क्या कह रहे हो, क्यों दिस लुक लाइक दिस, एक्सक्यूज मी, APM ट्रेन, APM, ओ नो, माफ़ी खलास, APM, अरे मैं यहीं से आया हूँ, और फिर मैं क्यों, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। वहाँ से उतर के वहाँ निकल लिया पतली गली से, ये APM का साइन, ओपरा हाउस एंड APM। अंधेरे में नहीं ले जाना बहुत से, तो बिल्कुल नीचे कहीं बेसमेंट में लेके जा रहा है। APM, अल्लाह माफ करे, चलो देखते हैं, जैसे चल रही है ना, ओ शिट, अगर ये गलत हो गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर सीढ़ियाँ चढ़ना जो है ना अजाब हो जाएगा। लेट्स सी, अल्लाह माफ करे, एक गलत एक्सीडेंट मुझे लग रहा है, ये पार्किंग लॉट में लेके जा रहा है। लग रहा है ये पार्किंग लॉट में, हालात सही नहीं लग रहे उस्ताद, ये पार्किंग लॉट, आई डोंट नो मैन, लेट्स सी। APM, अरे नहीं यार, ये तो पता नहीं कहाँ आ गया मैं, ओ बॉय। तो बहुत इस तरह के वेंचर करने पड़ते हैं। अब ये जो है ना, मेरी टांगें इस वक्त इतनी ही टूटी हुई हैं कि मैं ये सीढ़ियाँ जो हैं, काश के कोई बटन होता तो मैं इसको रिवर्स कर लेता। उसने साइन लगाया हुआ था APM का, इस तरफ एरो तो यही बता रहा था, या तो मैं एरो को गलत समझा। एनी हाउ, लेट्स गो, हिम्मत मरदा मदद खुदा। APM ट्रेन, मेट्रो APM, दिस आई वेंट देयर बट देयर नो, आर यू, वेयर आई गोइंग,
I am going to the main metro. You know the main metro? But I need APM. You know the short train? The small train? This? You sure? Yes, yes. APM. बर्बाद ही देना बस क्योंकि आगे बहुत अंधेरा है गली में कोई भी बंदा नहीं है वहाँ पर तो बीइंग ए फॉरेनर आपको अपनी आंखें भी खुली रखनी है क्योंकि आपको लैंग्वेज का इशू है आपके पास पासपोर्ट होता है लेकिन कनाडा इज़ अ वेरी सेफ कंट्री ओके 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 दिस वे ऑलराइट थैंक यू एपीएम No, this is a parking lot. That's what I'm surprised. Lekin in general, jo hai, China is. Yeah, thank you. Look like I am going on the right direction. देखें अच्छे बुरे सब जगह होते हैं लेकिन in general, it is the safest place. क्योंकि मेरी एक साहब से बात हो रही थी I was a little bit scared and a little bit concerned. तो couch surfing के ऊपर नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा तो उस बंदे ने पाकिस्तानी था He was American Pakistani teaching English over here. तो उस बंदे ने कहा मुझे जवाब आया कि China is safer than Canada and USA. And that was enough line for me. And his line proved. I mean, odd वे में मैंने मकान देखे हैं यहाँ पर जो बिल्कुल कराची की तरह से जो board up sorry that's the right one जंगले लगे हुए हैं एंट्रेंस पे भी जंगला खिड़की पे भी जंगला तो होते होंगे हाथ से लेकिन इन जनरल इट इज़ वेरी वेरी सेफ वेरी वेरी सेफ तो ये यहाँ का जो तरीक़ेकार है मैं उसको फॉलो करते हुए आई वॉज इन द राइट डायरेक्शन फर्स्ट और इस माई मिसगाइडेड मैं अपने फियर की वजह से थोड़ा डर गया और उसी रास्ते पे दोबारा आया पढ़ा नहीं आया अरे यार इवन का चेकिंग का चक्कर है ना उसमें आदमी काफ़ी क्या थैंक यू तो ये है सो फार यहाँ से मैं देखें ये आपने इस प्रोसेस को पहले भी देखा होगा मेरी वीडियोस में अब मैंने ये टिकट मारा इधर पे अब कल मुझे जाना है मेरे पास में अभी भी $36 बाकी हैं आई मीन $36 बाकी हैं वो लगता है कि मैं जब एयरपोर्ट पे उतरूँगा तो किसी को कार्ड पकड़ा दूँगा क्योंकि इसकी वैलिडिटी शायद 3 महीने की होती है $36 मेरे क्या बने सात कैनेडियन डॉलर नो पाँच के पाँच सत्तर पैंतीस हाँ सात कैनेडियन डॉलर समझे कि खाना खा लिया अब मुझे यहाँ से अब मुझे देखना है कौन से स्टेशन पे मुझे जाना है अरे यार मुझे स्टेशन एक आया था जिस पे उतरना है अच्छा जी मैं ग्रैंड ओपरा हाउस पे हूँ यहाँ पर और मुझे जाना त्यान खैरान यही है मेरा ख्याल है देखता हूँ यहाँ से डबल चेक करता हूँ हाँ त्यान खैरान से 1 2 3 4 चौथा जो स्टॉप था तो यही आपको देखना है ये ऊपर लिखा हुआ होता है एरोज इस तरह बनी होती हैं कौन सी ट्रेन किस तरफ जाएगी ये पहले भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ तो इस तरह मैं अपनी चीज़ें मेक श्योर कर लूँ बड़े मियाँ जो हैं बच्ची की क्लास ले रहे हैं यहाँ सब ये जो लोग हैं ना ये मोस्टली जो हैं ये सारे
ये फाइनेंशियल सेक्टर से चूँकि ताल्लुक़ है तो यहाँ मुझे जो एक अजीब गरीब बात लगी वो सारी इंग्लिश अजीब वगरीब तो नहीं कह सकते कि अब तक चार लोगों से बात हुई, चारों के चार जो थे ना इंग्लिश बोलते थे एक्सेप्ट दोज ये जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है ये हो। लेकिन अगर कोई कोट टाई में है तो मेरा गाइड भी आ गया जो जिसने मुझे रास्ता बताया था। तो ये है यहाँ का अच्छा स्टेशन के ऊपर फ्रीक्वेंसी जो ट्रेन की जो है ना वो बहुत स्लो है, हमेशा जो है ना नहीं इतनी उस फ्रीक्वेंसी से जो मेन मेट्रो जो है हर एक मिनट के बाद या तीन मिनट के बाद डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ होता है तो यहाँ पर जो है ना हर उसके ऊपर नहीं आती है। तो पिछली दफ़ा भी मैं शायद 10 मिनट खड़ा रहा था। अच्छा ये ऊपर लिखा हुआ था नेक्स्ट ट्रेन, ये देखें बस यहाँ से पता लग जाएगा, साइन लगा हुआ है कि नेक्स्ट ट्रेन जो है ये 4 मिनट के बाद आएगी। पूरे का पूरा जो है ना टूवर्ड्स का लिखा हुआ है, नेक्स्ट ट्रेन लिखा हुआ है और नीचे डेट लिखी हुई है तो 12/12/2018 नीचे वाला डब्बा है। बीच वाला डब्बा कह रहा है कि अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो मुझे नहीं पता। एनी हाउ तो नेक्स्ट ट्रेन जो है 4 मिनट के बाद है और वो टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स जो है ये आखिरी जो स्टेशन होगा वो कहलाती है लिनखिसी आखिरी स्टेशन है। ये शुरू होती ख़त्म होती है कंटन टावर पे और शुरू होती है लिनखिसी। एच को ये खा से पढ़ते हैं और एक्स को ये एस से पढ़ते हैं तो लिनखिसी। अभी भी मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्योंकि चाइना के अंदर जो मेन चीज़ है वो आपकी टोनल टोन्स हैं। अगर आपको टोन्स पे अबूर है तो उसका मतलब आपको चाइनीज़ आ गए। एक ही लफ्ज़ जो है वो लिखा जाएगा लेकिन अगर वो 4 डिफरेंट टोन या 5 डिफरेंट टोन से बोला जा रहा है तो वह नहीं बदलते चले जाएंगे। एक ही लफ्ज़ है, एक ही लफ्ज़ है जो थोड़ा बहुत अरबी से मैं इसको कहूँगा जो अराब्स के साथ जो होता है वही लफ्ज़ का ज़ेर ज़बर पेश उससे उसकी टोन और मतलब चेंज होता है। तो इनकी भी ज़ेर ज़बर पेश कह सकते हैं या दबाव के साथ एक होगा डीप पिच के साथ या उठान के साथ या फ्लैट। मैं आपके टोन्स के बारे में थोड़ा सा इसका बता रहा था। तो एक ही लफ्ज़ होगा उसका करैक्टर भी इवन समटाइम एक ही होगा लेकिन जिस लैंग्वेज के ऊपर वो चल रहा है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही है उससे उसका मीनिंग जो है ना पिक किया जा रहा होगा। तो मेरा ख़्याल है इंतज़ार कर लिया जाए या बंद कर लिया जाए, वीडियो को यहाँ ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि अल्फाज का ज़खीरा भी मेरे पास ख़त्म हो गया है। चले बॉस बंद करता हूँ मैं यहाँ पर। मेरे ही क्या नाम है आप लोगों ने अगर मेट्रो की देखनी है कैसे चढ़ते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए चलाए रखता हूँ। और वेरी हाई स्पीड इनकी ट्रेनें होती हैं और उसके बाद एक बुलेट ट्रेन्स होती हैं लेकिन आफरीन है इस काम के ऊपर, इसकी मेहनत के ऊपर। कल मैं 2-3 इंडियन लोगों से बात कर रहा था, दे वर इम्प्रेस्ड, एवरीबॉडी गेट इम्प्रेस्ड। शाम के वक्त भी मैंने लोगों को देखा है, आई मीन ऐसा तसव्वुर ही नहीं है कि लोग बैठे रहे। क्या नाम है बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं वो पुराना जो जंक होता है उसके अंदर से पार्ट्स निकाल रहे होते हैं। और रात में हाँ एक जगह मैं रात को खाने के बाद टहलने के लिए गया तो पूरे शहर का कचरा जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो रिसाइकलिंग के लिए गत्ते वाला गत्ते लिए चला आ रहा डब्बा, वो जो पाकिस्तान में मैंने देखा ये पूरी दुनिया में होता है जंक जो उठाया जा रहा है। लेकिन बुढ़े बुढ़े उसमें ये नहीं था कि जवान थे, सब बुढ़े बुढ़े। और आपका जिस तरह कैपेसिटर वगैरह होता है तो बैठा हुआ है बुढ़ा जो है वो बेयर हैंड से आई वाज सरप्राइज उसके ऊपर वाइंडिंग होती है वायर्स की, आपने देखी होगी रेडियो वगैरह में पुराने नज़र आता था उस तरह का, वो उसको तोड़ तोड़ के उसकी तार अलग कर रहा, उसमें कापर होती होगी इस तरह कापर की वायर होती है। ले बॉस की ट्रेन आ गई तो मैं यहाँ पर बंद करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा आर्ट सा लगता है स्टेशन के अंदर जो है चलना देखी जाएगी। मारेगा कोई ये छोटी सी 2 डब्बों की ट्रेन होती है
दो डब्बे होते हैं इसमें सर, ये लंबी नहीं होती इतनी, क्या नाम है, डब लंबी जो है ना इतनी नहीं होती। ये सारा जो है मेरा ख्याल है डाउन टाउन रिलेटेड लोग हैं जो काम करते हैं, ये वो सारे वो लोग हैं। और मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सेम काम है। अच्छा इस पे प्लीज, हाँ तो इस पे जो है ना एक ही दफ़ा चार्ज होता है गलबन निकलते हुए, इसका एक ही रेट होता है। अब मुझे यहाँ से फॉलो करना है, क्या नाम है, अपनी मेन उसको, अब मुझे देखना है कौन कहाँ जा रहा है, उसको ही फॉलो करना है। एग्ज़िट मैं यहाँ जाता हूँ अंदर अंदर से, मुझे जो है लाइन वन की तरफ जाना। अच्छा देखें, अब इसके लाइन के जैसे ही मैं निकला हूँ तो नहीं लगता, ये मैं बी से निकल आया हूँ, ए से निकल आया हूँ, जबकि मुझे बी पे निकलना था। चलें आप कुछ कर नहीं सकते, वापस जाने की हिम्मत नहीं, नहीं यहीं से आया था मैं, आई डोंट नो मैन, इट्स वेरी हार्ड सम टाइम। लेकिन वहाँ जाने के लिए आसानी मुझे ये थी कि टावर मैंने देख लिया था, मुझे अब दूसरी मेट्रो को पकड़ना है यहाँ से। यस आई एम ऑन द रॉन्ग साइड बट आई हैव नो चॉइस, आई एम आउट ऑलरेडी। तो यहाँ से मैं देखूँगा, क्योंकि एक बिल्डिंग को मैंने ताड़ लिया था कि वो सबसे ऊँची बिल्डिंग जो थी कौन सी थी, एंड दैट बिल्डिंग इज़ आई हैवंट सीन येट, आई हैवंट सीन येट, आई एम ऑन द रॉन्ग साइड। ओह मैन, अब देखता हूँ मैं रोड के ऊपर मेट्रो को मुझे कैसे लेके जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल गलत जगह पे निकला हूँ। ये होता है कि एग्ज़िट जो है ना, मैं आपको अपने तामक टुइयों वाली नहीं, जो देखें जो एग्ज़िट है, तो उसके दो रास्ते हैं, या तो मैं, क्योंकि मुझे वो बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है, तो इसका बेस्ट यही है कि या तो मैं वापस जाऊं और एग्ज़िट बी पे चला जाऊं। ओह मैन दिस इज़ टफ सम टाइम, क्योंकि आई हैव नो करेज टू वॉक, नो लेट मी सी आई गो दिस वे। ये मेरा ख्याल है इनका, ये डाउनटाउन मेन कोर का इलाका है, क्योंकि एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो के उमूमन इस किस्म के टावर या फाइनेंशियल हब जो होता है, IFC जिस तरह करके, या IFS है क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ बिल्कुल सही जा रहा हूँ आगे। वो ये नीला था इसका APM का पोल का निशान जो है, तो वो वहाँ पर जो इनका रेगुलर पोल का निशान है वो मुझे नज़र आ गया है, तो वो मुझे जो है ना गाइड करता हुआ मेट्रो के स्टेशन पर ले जाएगा। फोक्स मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो है ना, आपका गाइड ये पोल है, अगर आपको मेट्रो ढूंढना है। अब वो देखें, वो आपको लाल और बीच में पीले का निशान है और एरो है, तो वो एरो कर रहा है इस तरफ। ये देखें यहाँ पर, ये झाड़ू की, रोड की झाड़ू की मशीनें, और ये टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स के ये होते हैं, ये देखें ये सफाई होती है जो। और मज़े की बात ये है, मैंने किसी भी दुनिया में कहीं भी, हाँ सफाई होते देखी है, सुबह के वक्त होती है 11-12 बजे करीब, ये स्वीपर जो है रोड के ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। आप यकीन माने रात के 11 बजे भी सड़कें साफ़ हो रही होती हैं, इज़ इट नॉट समथिंग। रात के 11 बजे भी मैंने देखा है, मैं वज़ू स्टेशन पे था, उस तरफ लाइन 5 पे रह रहा था मैं, तकरीबन 13-14 दिन मैं वहाँ पर रहा हूँ,
तो वहाँ पर वो रात के 11 बजे भी सड़क साफ़ कर रही थी, 10 बजे भी वो स्टेशन मेट्रो से जैसे ही बाहर आए तो लोगों की चूँकि आदत है सिगरेट, ये लोग बहुत पीते हैं सिगरेट बर्ड्स, फॉल का सीज़न ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी पत्ते वत्ते पड़े होते हैं। अब आप देखें आपको कोई चीज़ गंदगी नज़र आ रही है यहाँ पर, एक तो जब जगह साफ़ होती है फोक्स, मैं अपने हाथ में रैपर लिए मुझे याद है यहाँ पर मैं 15-15, 20-20 मिनट, इवन जो हमारी आदत बिल्ट हुई है, हम पाकिस्तान में भी जाते हैं तो रैपर हाथ में पकड़े रहते हैं कि भाई कहीं कोई गार्बेज कैन मिले तो डालें उसके अंदर। तो सम टाइम द पीपल वॉकिंग अलोंग अस दे लेफ एट अस, फेंक दो भाई कहीं भी फेंक दो, आई मीन एक आदत बिल्ट हो जाती है। और दूसरे अगर जगह साफ़ होती है तो पब्लिक भी उसको साफ रखती है। तो लेट्स सी वेयर इज मेट्रो मैन, ओह मैन वो छोटी सी नीडल थी, आई थिंक दैट्स द टावर यार, दैट वाज द टावर एंड आई एम मिसिंग इट, आई एम गेटिंग अवे, ओह मैन ओह मैन ओह मैन, आई डोंट नो व्हिच वे शुड आई गो। अपना ऑनलाइन मैं बंद कर चुका हूँ और ये मेट्रो पकड़नी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि टावर वो इसी तरफ था। चले इस तरफ जाता हूँ, देखता हूँ। मैं जब आया था तो वो मेरे लेफ्ट साइड पर था, इशारा तो इसी तरफ किया है, देखें आगे कहीं इसका निशारा, तो हर मेजर इंटरसेक्शन के ऊपर इसका वो होता है। यार ये मुझे लग रहा है कि मैं सही आया, या आई डोंट नो, लेट्स सी, क्या ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनाया। बेसिकली मॉल है, मैं पहले ये समझा था ये कोई अरीना है क्योंकि इस तरह का रॉजर सेंटर का जो अरीना है वो इसी तरह का बना हुआ है टोरंटो के अंदर, तो मैं समझा था कोई खेल कूद का मैदान होगा, जाऊंगा तो कुर्सियां वर्सियाँ नज़र आएंगी, मैदान होगा बीच में कोई साकर का या कोई बास्केटबॉल व्हाटएवर, हॉकी तो ये लोग खेलते नहीं हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आइस हॉकी की। तो मेरा ख्याल है मदर राइट डायरेक्शन, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त अंदर मॉल है, इसमें ज़ारा का ज़ारा ब्रांड और रोलेक्स, और तो पब्लिक के पास पैसा है तो ये ज़ारा और रोलेक्स की घड़ियाँ बिक रही हैं। यप आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन। तो फोक्स वो जो मैंने बताया ना पहले जिक्र किया पोल, यू गॉट टू लुक द पोल, दैट पोल विद द रेड साइन, इन द मिडल इज़ अ येलो साइन एंड यू गॉट टू लुक फॉर द एरो, व्हिच वे दैट एरो इज़ हेडिंग। और उसके बाद ये मेरे 17-16 दिन की माइल्स एंड माइल्स का लफ्ज़ तो शायद गलत हो जाएगा, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स, थोड़ी सी गलती, वो एरो इस तरफ कर रहा है, लेट मी गो दिस वे, मेट्रो मेट्रो दिस वे एंड आई थॉट कैन हर ऑन दिस साइड, अच्छा वहीं से तो आ रहा हूँ बस, वो मेट्रो यहाँ का निशान कर रहा है तो उधर का कर रहा है, उधर का भी एरो इधर ही दिखा रहा है, कहीं है वो APM का मेट्रो ना बता रहा हूँ, वो नीला था भाई पोल। तो इस तरह मेरी वॉक हुई है यहाँ पर, खूब हुई है, हो सकता है इधर पे हो लेफ्ट साइड पे, लेट मी गो लेट मी सी, मुझे उधर से ट्रा कर लेना चाहिए था। कुछ लोग अवॉइड करते हैं कैमरे को, तो मैं ख़ुद ही हटा देता हूँ, ये आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है, एक आदमी नहीं चाह रहा कि उसका पिक्चर पे शक्ल आए, तो ऐसे सिंपल, आपने इसको कोई स्पेशली टारगेट करना नहीं है। अच्छा इनके खानों की खुशबू आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आए ना आए, बहुत ज़बरदस्त होती है, आई मीन इट्स नॉट दैट बिरयानी वाली खुशबू होती हो या कोरमे की, एक अपना यूनिक चापसो स्टाइल खुशबू होती है, और यूट्यूब पे इतना डरा दिया गया है इनकी ग्रीस के बारे में, कितनी आप वीडियो आने से पहले यहाँ के फूड की जो हैं जो
ये shortening जो use करते हैं, इसलिए कहते हैं too much knowledge sometime not good. अगर आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, एक आदमी को पता ही नहीं है कि ये क्या है तो खाए जाओ, लेकिन एक दफ़ा नॉलेज हो जाए तो फिर यू हैव टू अवॉइड. इसलिए ना कहते हैं टू मच नॉलेज इज सम टाइम नो गुड. अब इस दफ़ा इतनी वीडियोस मैंने देख ली हैं कि ओनली इनके ग्रीस के बारे में. वैसे तो आपको पता है कि भाई ये चीज़ पोर्क है, ये बीफ है. That shows, you can tell. लेकिन जो internal ingredients है, particularly grease, I mean fat shortening. I don't know, you guys know about the shortening. Oil, that's the right word. जो आप oil जो ऑयल ये इस्तेमाल करते हैं ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस. वो इतनी अजीब और गरीब किस्म की, वो गौरों ने एक दो वीडियो डाली हुई है कि स्ट्रीट फूड पे ये ग्रीस यूज़ करते हैं या कहाँ पे. उसके बाद से मेरे को बहुत ही डर लग गया. अच्छा जी, अब ये एरो जो है इधर बता रहा है, इस एरो की बात कर रहा हूँ बस, ये मेट्रो का जो ये एरो है. तो लेट्स सी किधर पे यार, उधर से उधर बता रहा था, इधर से उधर बता रहा था. ये सब लंच आवर चल रहा है. ये सारा जो यहाँ पर जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, मुझे लग रहा है कि वो मेट्रो का था. उसने फिर मिसगाइड क्यों किया मुझे? ओह मैन, हाउ आई गेट देयर, हाउ आई एम गोना गेट देयर. आई जस्ट गॉट आउट ऑफ दैट, वहाँ से निकल के आया हूँ. नहीं मेट्रो नहीं पता, लेट मी सी, इधर भी होगा. एनी हाउ, तो बॉस मैं इसको ख़त्म करता हूँ. मेरा ख्याल काफ़ी हो गई है, वीडियो इतनी लंबी हो गई है, बैटरी भी लो हो गई है. चलें सर, बैटरी मेरी अब ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है. लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो. ये मैंने वापसी का एक सफ़र बनानी थी, क्योंकि जाते हुए मैं नहीं बना पाया था. तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. मेरा ख्याल है अब एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे, क्योंकि अब मेरा इरादा बाहर निकलने का नहीं है. टांगे और कमर टूट के चूर चूर हो के टूट गई हैं. ओके बाय.